भाई भरते भरते मेरा तो पैर दुख गया, बार बार पैर स्विच करने पड़ रहे हैं और मुझे तो लग नहीं रहा इसमें कोई फ़र्क भी पड़ रहा है। पूरा बैठा हुआ है भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। 3 दिन से इतना ज़बरदस्त बुखार हो रखा है भाई मुझे कि मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं करी 3 दिन से पूरे। अब वो होता है भाई, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है, 102, 103, 104 डॉक्टर ने बोल दिया था ब्लड टेस्ट कराओ। भाई मेरे को पता नहीं, अभी कुछ टाइम पहले 2 महीने पहले ही आई गेस टाइफाइड हुआ था, तो मैंने नहीं कराया इस बार ब्लड टेस्ट कि मैं हो जाऊँगा ठीक। हाँ वहाँ पता चलेगा टाइफॉइड है, फिर एक हफ्ते का ये परहेज वो परहेज, मैंने नहीं कराया टेस्ट। अब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ आज 3 दिन के बाद पूरा, मतलब मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, बढ़िया फील कर रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। आज हम लोग जल्दी उठ गए हैं और मुझे लगा था भाई 5:30 बजे उठ के ना बाहर अंधेरा मिलेगा, लेकिन ये देखो दुनिया उठ जाती है भाई। गर्मियों का मौसम है, दिन निकल जाता है 5:30 बजे। 5:30 बजे प्रॉपर दिन निकला हुआ है, तो मैंने सोचा अभी चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक पे गए हुए तो जमाना हो गया, तो सुबह सुबह फ्रेश एयर लेने चलते हैं। सो 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा था, दवाई ले रहा था, आराम लग रहा था, दवाई जैसे डोज नहीं लिया, बुखार बहुत तेज़। फिर भी लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करवाया और आज से मैं कोशिश करूँगा कि डेली मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग पे आऊँ सुबह सुबह। पसीने देखो आप, थोड़ी सी जॉगिंग करी है मैंने और ठीक फील हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। हीट वेव्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है ना दिल्ली में, और जो दिल्ली में सर्वाइव कर सकता है ना भाई, मेरा मानना है वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अभी फ़िलहाल मैं रनिंग करके जा रहा हूँ घर, और आज फर्स्ट डे था भाई, ऐसी तैसी हो गई मेरी, तो गर्मी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। बाकी घर चल के नहाते धोते हैं। दोनों तरफ नीम के ही पेड़ है, तो एक दातुन तोड़ लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम मुझे अब दोबारा नहीं चाहिए भाई। इतनी खतरनाक होती है ना दांतों की दिक्कत, और दांतों से जाती है फिर सीधा सर में। दांत के दर्द की वजह से सर में दर्द बड़ी जल्दी होता है, तो मैं नहीं चाहता और किसी दांत में कैविटी हो। मेरी खुद की वॉकिंग हो गई थी मॉर्निंग वॉक, तो ये कैसे पीछे रह जाता। ये भी इसने भी रो रो के बुरा हाल कर दिया था। सो भाई रनिंग करके तो घर आ गए थे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के, और हमसे मेरा मतलब है पापा मम्मी और ये तो ड्राइवर है। खैर मतलब मेरे बुखार था ना, मेरे वायरल था शायद, मम्मी के भी हो गया और पापा के भी हो गया भाई, और हालत दोनों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ठीक हो गया, ये दोनों बीमार हो गए। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देख रहे हो मैं अभी लेके बैठा हूँ और ख़त्म कर दिया सब। ओ भाई डॉक्टर के हो के आ गए हैं, पापा के भी 101 बुखार है और मम्मी के भी 101 बुखार है, तो बुखार है अब, दवाई ले ली है, तो अब आराम करो, ड्यूटी उटी तो एक जब ठीक हो जाओगे जब भी जाइयो। सो गाइस अब आ गए हैं घर। रही मेरी बात, मेरे को तो हल्की बहुत खांसी है, बुखार तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बॉडी में थोड़ा फैटीग टाइप लग रहा है और मेरी वजह से सब बीमार हो गए भाई। बस उज्जवल बचा हुआ है घर में, और बचा ही रहे तो ही बढ़िया है भाई। आपको पता है दिल्ली में कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो रखा है? आज का दिल्ली का टेम्परेचर है 44 डिग्री, 44 डिग्री भाई, कितनी ज़्यादा गर्मी है अपनी दिल्ली में। और मतलब बुखार की वजह से है ना शरीर में अंदर इतनी कमज़ोरी हो रही है, और इतनी ऐसे मतलब गर्मी गर्मी फील हो रही है, प्लस पापा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, आराम ही नहीं लगा पापा को, तो उज्जवल दोबारा डॉक्टर के लेके गया पापा को। पापा का बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई। सो गाइज मैं नहा लिया हूँ, आज मैंने ना ऑयलिंग की थी बालों में, बहुत टाइम हो गया था ऑयलिंग करे हुए, तो ऑयलिंग करके फाइनली आज मैंने और शैम्पू कर लिया है बालों में। और भाई पापा है ना डॉक्टर के साथ आ चुके हैं, और पापा को ना टाइफाइड है भाई, पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार है। अभी फ़िलहाल पापा दवाई लेके कर रहे हैं आराम,
बहुत भयंकर गर्मी है, लेकिन फिलहाल अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, बारिश बताई हुई है आज कल परसों, 3-4 दिन है ना बारिश आ सकती है ऐसा बताया हुआ है वेदर टेलीकास्ट में। फिलहाल अभी मौसम बाहर ठीक हो गया और बाइक में आपको पता ही है पेट्रोल खत्म हो गया था अपनी ट्रिप के बाद, हमने एक बार ही डलवाया था 600 रुपए का, उसके बाद से बाइक में ना तेल नहीं डाला है, तो मैं सोच रहा हूँ मौसम बढ़िया हो गया तो फटाफट तेल डलवाने चलते हैं। मम्मी ऊपर काम कर रही है, उज्जवल बाहर गया हुआ है और पापा भी सो रहे हैं, तो मैं नहा धो के रेडी हो ही चुका हूँ, प्लस मौसम भी बाहर बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रखा है, तो मैंने सोचा कि बाइक निकालते हैं और तेल डलवाने चलते हैं। और गंदी हो गई है पर हवा चल रही है आज बढ़िया वाली, तो मौसम तो भयंकर वाला हो रखा है और हवा भी अच्छी चल रही है, गर्म हवा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस मौसम में दरवाजे से अंदर आती है धूल जबरदस्त वाली, जिससे बाइक गंदी हो जाती है। 135 चल चुकी है, वहां पे हमने 600 का डलवाया था, तो मतलब काफी तेल है ना, लास्ट जो डंडा होता है उसमें काफी तेल बचता है भाई, मुझे तो आज तक उसकी कैपेसिटी समझ नहीं आई। तो लेफ्ट चले राइट चले कहाँ चले, सो पेट्रोल फुल करवा देते हैं। फिलहाल पेट्रोल करवा लेते हैं फुल, क्योंकि एक डंडा बचा है, 140 चल चुकी है, तो एवरेज मान के चलो 20 प्लस भी है अपनी बाइक में, तो अच्छी खासी एवरेज भी है 20 प्लस। नॉर्मल है बस, अबे चलो 200 करो नॉर्मल फिर। सो गाइस नॉर्मल ऑयल है तो 200 के डलवा लेते हैं फिर, प्रीमियम है ही नहीं तो मैं ज़्यादा डला ही नहीं रहा फिर, और तेल है 99.76। हाँ कोई बात नहीं, हेलमेट में सेट आता है या अलग से करवाना पड़ता है? अलग से भाई अलग से डलवा लिया मैंने, 3 डंडे हो गए हैं कहने को, पर ये 2 ही हो जाएंगे वापस थोड़ा सा चलते ही। देखा मैंने बोला था 3 से 2 हो जाएंगे थोड़ा चलते ही, और ये हो गए हैं अब 2 डंडे। देखता हूँ कि दिल्ली में मेन मेन क्या क्या जगहें रह गई हैं जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, लोगों ने उन चीजों को कवर नहीं किया है, तो हम कवर करेंगे उन जगहों को, तो अभी वो चीज देखते हैं पहले। रेस 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 लगाए आराम से चला ले ओए ओए जीत गया, ओए जीत गया, ओए जीत गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जीत गया जीत गया। सो गाइस अभी जस्ट है ना मैं खेल के आया था और मुझे दीनपुर जाना था एक बार गाड़ी लेके, और मैंने देखा कि गाड़ी का पिछला टायर बिल्कुल बैठा हुआ है, अब मुझे नहीं पता वो गर्मी की वजह से हवा निकल गई है या पंचर है या क्या सीन है, तो इस केस में बस अब एक ही काम हो सकता है, साइकिल में हवा भरने वाले पंप से अब गाड़ी में हवा भरते हैं, होप ये आइडिया काम आ जाए, इतनी हवा हो जाए कि किसी पंचर की दुकान पे गाड़ी अपनी पहुंच जाए, तो बहुत मेहनत लगेगी इससे तो, और होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, तो चलो भाई करते हैं एक बार। ये देखो भाई बिल्कुल बैठा हुआ है, तो कोशिश करके देखते हैं इससे, मीटर है तो यहाँ पे ऐसे पैर रख के भाई भरते भरते मेरा तो पैर दुख गया, इसमें तो पूरा एक जन्म लग जाएगा और वो भी अकेले। आ
हो गई है, बहुत हो गई है। इतने में तो पहुंच जाएगी पाकिस्तान भी, पेट्रोल पम्प तो फिर भी बहुत पास है। तो फटाफट गाड़ी की चाबी ले आता हूँ मैं। तो गाइस चाबी ले आए हैं, चलते हैं फटाफट, और ये भी चलेगा। तो आराम आराम से ही चल रहे हैं अभी फ़िलहाल हम 40 की स्पीड पे, और ये रोड बढ़िया है। खैर इस पे तो कुछ ऐसा मिलने नहीं वाला जिससे पंचर हो जाए, ट्यूबलेस टायर है यार, झेल लेंगे इतने तो। क्यों भाई, क्यों भाई, बढ़िया बढ़िया। बहुत दिनों बाद देखा, कहाँ था? बिजनेस चल रहा है ना मेरे। अच्छा दुबई गया था। गुजराती है भाई वो, धंधो चल रहा था इसका, धंधो। अच्छा ये पंचर है। सो गाइस पंचर लगवा के अब आ गए हैं घर, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी पंप से हवा भरने में, लेकिन वो सक्सेस हो गया, बढ़िया तरीके से पंचर लग गया है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यार यहीं पे एंड करता हूँ, और बहुत जल्दी मैं ट्रिप का बना रहा हूँ, दिल्ली में ही सोच रहा हूँ कोई जगह मिल जाए बढ़िया सी, तो देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। सो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं यार। अगर आपको पसंद आया हो तो कॉमेंट से बताना, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना इस ब्लॉग को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। We'll be right back.